वेलकम फ्रेंड्स, एक और एपिसोड टीएफएस का। और आज बात करते हैं मोतीचूर लड्डू की। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी फेस्टिविटी और मोतीचूर लड्डू साथ में ही चलते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, या 26 जनवरी या इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन हो, मोतीचूर लड्डू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ। और इतनी वैरायटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ चुकी है मोतीचूर लड्डू में, जिसकी कोई हद ही नहीं है। कोई बनारसी लड्डू होते हैं, कोई केसरी लड्डू होते हैं, कोई प्लेन मोतीचूर लड्डू होते हैं, कुछ मोटी बूंदी के होते हैं, कुछ बारीक बूंदी के होते हैं, कुछ के अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं। तो लाजवाब वैरायटी, इतनी वेरिएड वैरायटी मेरे ख्याल से मोतीचूर लड्डू की इंडिया के अलावा कहीं और मिल भी नहीं सकती। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पांच ऐसी जगहों की जो कि बहुत ही जबरदस्त लड्डू बनाते हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से और एक ऐसी आउटलेट से जो कि हम सबको बहुत प्यारी है। तो दोस्तों, राधेलाल मिष्ठान भंडार लखनऊ में बहुत ही जबरदस्त आउटलेट, और अब तो खैर पूरे लखनऊ में इनकी बहुत सारी आउटलेट्स हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को होगी कि जो चौक में आउटलेट है उस पर जरूर जाए, और जब यहाँ पे जाए तो जो इनकी इनोवेटिव पैकिंग स्टाइल है बूंदी लड्डू की, वो तो लाजवाब है ही है। साथ में जो लड्डू है वो पूरी तरह से मेल्ट इन द माउथ है, देसी घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक रिकमेंडेशन साथ में देना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे लड्डू पैक करा रहे हो तो मलाई गिलौरी जरूर खाएं। लाजवाब मलाई गिलौरी ये बनाते हैं, जो कि सिर्फ लखनऊ में ही मिलती है और बहुत ही पुरानी दुकान है। बहुत ही अच्छे लड्डू ये लोग बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम लखनऊ, राधेलाल मिष्ठान भंडार फॉर मोतीचूर लड्डू। तो चलते हैं अपनी दूसरी आउटलेट पे दोस्तों, और ये है बनारसी मिष्ठान भंडार, ये कानपुर में है। और जब हम कानपुर की बात करते हैं तो जनरली हम लोग को याद आता है ठग्गू के लड्डू, और ठग्गू के लड्डू के ऊपर ये बनारसी मिष्ठान भंडार वाले मोतीचूर के जो लड्डू बनाते हैं ये बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ, और उसके ऊपर जो ये चांदी का वर्क लगाते हैं वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं, तो सोने पे चांदी लग जाती है, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू सोना तो है ही है। तो अगली बार जब आप लोग जाए तो बनारसी के लड्डू जरूर ट्राई करें, पैक भी करवाएं। और साथ में एक पंडित जी हैं बगल में जो पूरी और सब्जी देते हैं, लाजवाब पूरी और सब्जी भी खाइए, मोतीचूर लड्डू पैक कराइए और कानपुर का लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों, अगली आउटलेट और ये है ग्वालिया स्वीट्स अहमदाबाद, और ये सीधी रोड पे जो कि सबसे ज्यादा पॉश एरिया है अहमदाबाद का, उसके ऊपर लोकेटेड है ग्वालिया स्वीट्स। अब तो खैर पूरे अहमदाबाद में बहुत सारी आउटलेट्स हैं और अब तो एयरपोर्ट पे भी इनकी एक आउटलेट है। लड्डू थोड़ा सा बूंदी का साइज, ये जो हम पहली दो आउटलेट्स के अगर कंपेरिजन करें तो उनसे बूंदी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। लड्डू थोड़े से चूई होते हैं लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। एक आपको टिप देना चाहूंगा, अगली बार जाए लड्डू पैक तो कराए, साथ में जलेबी फाफड़ा और जो कच्चे पपीते की ये चटनी देते हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसका लुत्फ जरूर उठाए। तो दोस्तों, अगली आउटलेट की ओर, और ये है खुशी राम एंड सन्स लुधियाना की। 1932 में ये आउटलेट स्टैब्लिश हुई थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सालों से ये लाजवाब मिठाइयां लुधियाना वासियों को खिला रहे हैं। और लड्डू लाजवाब होते हैं, इनके कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ये मोतीचूर लड्डू में डालते हैं, जो कि इसका टेस्ट और एनहांस कर देते हैं। थोड़े से हैवी ऑन द स्टमक होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट थ्री आउटलेट्स ये लड्डू थोड़े से हैवी होंगे। एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगा, इनके समोसे लाजवाब होते हैं, तो समोसे जरूर ट्राई करें इनके लड्डू के साथ। तो दोस्तों, आज की एपिसोड की आखिरी आउटलेट, और ये है मोहनलाल मिठाई वाला, विले पार्ले में, बॉम्बे में, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। दोस्तों, लाजवाब लड्डू जो बूंदी का साइज और छोटा कर देते हैं ये लोग, जो राधेलाल
या बनारसी का जो बूंदी साइज छोटा था वो उससे भी छोटा बूंदी का साइज कर देते हैं ये लोग, और लाजवाब लड्डू होते हैं ये, वेरी लेस स्वीट, मिठास में और कम, लेकिन लड्डू इज अ पावर पैक लड्डू, ये खाने लायक चीज है अगर आप बॉम्बे में हैं तो। और एक टिप आप लोगों को साथ में देना चाहूंगा, अगर आप यहाँ जाए तो इनके लाजवाब फरसान जिसमें थेपला, खाखड़ा और भी ना जाने क्या क्या गुजराती स्नैक्स, अगर आप जो भी देना चाहें वो लाजवाब इनके स्नैक्स ट्राई करें, और बहुत सारे स्नैक्स पैक कराएं, साथ में लड्डू पैक कराएं, और इंजॉय करें अपनी इस विजिट को मोहनलाल मिठाई वाला पे। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, डू मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, एंड आपके लव और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू।